अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान खान है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मोबाली आइलैंड। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, और उमर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, फरहान है, अस्सलाम वालेकुम, और ये कासिम भाई हैं। और सुबह के बजे हैं 7:15, 7:15 हुए हैं और हम हैं जीटी रोड पे। हम हैं इस वक्त तरनौल के पास और आज जो हमारा प्लान है वो ये है कि आपको गंदारा रिज़ॉर्ट दिखाया जाएगा जो मोबाली आइलैंड के बिल्कुल साथ है। थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और आपको थोड़ा सा रास्ते के बारे में भी बताते जाएंगे साथ साथ, ताकि जो नए लोग जिनको रास्ते का आइडिया नहीं है उनको थोड़ा सा रास्ते के बारे में मालूमात मिल जाएगी। हम पहुंच चुके हैं संगजानी टोल प्लाज़ा। संगजानी टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आपने टैक्सला की तरफ जाना है। इस वक्त हम गुजर रहे हैं B17 हाउसिंग सोसाइटी के पास से। ये फैसल हिल्स सोसाइटी है। फैसल हिल्स सोसाइटी क्रॉस करके पहला यू टर्न लेके आपने खानपुर डैम रोड पे एंटर हो जाना है। फैसल हिल सोसाइटी के बाद ये पहला यू टर्न है। यहाँ से आपने लेफ़्ट पे खानपुर डैम के लिए एक रोड जाता है, ये जो आगे आ रहा है, इस रोड पे एंटर हो के आपने खानपुर डैम रोड पे चलते जाना है। राइट पे HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला एजुकेशन सिटी है, इसको क्रॉस करके आपने खानपुर रोड पे चलते जाना है। राइट पे HIT का मेन एंट्रेंस गेट है। मेरे बिल्कुल सामने टेक्सला म्यूज़ियम है, आप जब भी आएँ टेक्सला म्यूज़ियम का विज़िट ज़रूर करें। लेफ़्ट पे UET टेक्सला का मेन एंट्रेंस गेट है। ये तरनावा स्टॉप है जो कि ज़िला हरिपुर में आता है। इसके बाद खानपुर का एरिया स्टार्ट हो जाता है, ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद खानपुर का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। हम खानपुर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है आप इसको खानपुर का बाज़ार भी कह सकते हैं। इस टर्न के बाद राइट पे ओल्ड खानपुर रोड आएगा, उस रोड पे आपने एंटर होना है। ये छोटा सा रोड है जो कि ओल्ड खानपुर रोड के नाम से जाना जाता है, इस रोड पे आपने एंटर होना है। ये थोड़ा सा एरिया है जो जिस पे रोड की कंडीशन तकरीबन बेहतर है, इससे आगे कच्चा ट्रैक है
जिस पे आपने मोबाइली रिजॉर्ट की तरफ जाना है। हम पहुंच चुके हैं गंदारा रिज़ॉर्ट, लेफ़्ट पे गंदारा रिज़ॉर्ट की पार्किंग है। ये है जी गंदारा रिज़ॉर्ट की बिल्डिंग, अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये गंदारा रिज़ॉर्ट का ऑल डे डाइनिंग एरिया है, पहले आप ये देख लें फिर आपको बाहर से इनका टेरेस दिखाते हैं। बाहर काफ़ी खूबसूरत सा टेरेस बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप खानपुर डैम का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। वक्त है सुबह के 9 बजे का, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये सामने खूबसूरत नज़ारे। ये आगे जी हम फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर से ये देखे जी सामने का खूबसूरत नज़ारा। ये नज़ारे देख लिए आपने, अब चलते हैं रूम्स की तरफ, आपको गंदारा रिज़ॉर्ट के रूम दिखाते हैं और बाद में आपको इसकी डिटेल्स बताई जाएगी। पानी ठीक होता है, गर्म अगर आ जाए। ये है जी गंदारा रिजॉर्ट के रूम, ये मास्टर बेड है, इसके साथ टॉयलेट है, ये देख लें आप। फिर इसके बाद बाहर चलते हैं, आपको बाहर से फिर दिखाते हैं जो इनका एरिया है, जो सिटिंग एरिया इन्होंने बाहर बनाया हुआ है, वो जाके आपको दिखाते हैं। ये टॉयलेट है, इसका लाइट नहीं है अभी, लाइट ऑफ थी इस वजह से थोड़ा
अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ। ये मास्टर बेड है, मास्टर बेड के बाहर एक टेरेस बना हुआ है, वहाँ पे सिटिंग भी है और सामने के खूबसूरत नज़ारे भी हैं। नीचे चलते हैं और आपको ये जो सामने एरिया है बाहर वाला, ये एरिया आपको जाके दिखाते हैं।
कासिम भाई फ़िशिंग के लिए रॉड तैयार कर रहे हैं, फ़िशिंग का भी प्लान है, देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में क्या आता है। कासिम भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाए। देखिए मैं अभी फ़िशिंग रॉड तैयार कर रहा हूँ, इसमें यह है कि मैं इसके नीचे मैंने वेट लगा दिया, तो अब मैं मैंने इस दफ़ा यह है कि हमने अपना फ़िश यूज़ किया, फ़िश को पकड़ने के लिए चिकन यूज़ किया, तो मुझे किसी चिकन वाले ने ही कहा है कि जो ना ये आप अगर चिकन लगाएंगे ना उसके दिल और गुर्दे उसकी जो स्मेल होती है, गुर्दों की स्मेल होती है, उसके जो ब्लड होता है उसकी वजह से मछली आएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बरकत डाले इंशाल्लाह ताला। आज की पहली मछली हमारे हाथ। ये थी एपिसोड नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बकिया हिस्सा एपिसोड नंबर 2 में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बोर्ड गुजरिए ना उधर।